लोग कहते हैं दाती महाराज जीवन में शकुन और शांति कैसे मिलेगी। देखिए शकुन और शांति का स्रोत आपका हृदय है। जीवन में परमानंद परम सुख परम शांति शकुन आपको हृदय के साथ जुड़ने से मिलेगी और हृदय तत्व ज्ञान से मिलता है और वो व्यक्ति जो तत्व ज्ञान को जानता है उसे हम सद्गुरु कहते हैं। सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर उस ज्ञान को लेकर ज्ञान का यदि भजन करोगे तो संपूर्ण जीवन में सुख शांति रहेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो पारिवारिक बैलेंस बना रहे तो पति पत्नी सास बहु बाप बेटे को आपस में बैठकर एक दूसरे का विश्वास जीतना चाहिए और एक दूसरे का विश्वास लेकर एक ऐसे मार्ग को चुनना चाहिए जिस पर चलते हुए जीवन खुशियों से भर जाए। आग और पानी दोनों का समावेश चाहिए। यदि एक व्यक्ति आग है तो दूसरे को पानी बनना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान। अपने घर में थोड़ी सी पानी की व्यवस्था कर दीजिए। पता नहीं कब किसके दिल में क्रोध की आग भर उठे और क्रोध आग है। अपने घरों में सहनशीलता और शांति का दिल तैयार रखिए। पता नहीं कब तुम्हारा घर क्रोधों की लपेट में गिर जाए। ध्यान रखो यदि भाई को एक भाई को गुस्सा आ रहा है तो दूसरे भाई को बाहर निकलना पड़ेगा चुपचाप। यदि पत्नी को गुस्सा आ रहा है तो पति को चुप रहना पड़ेगा और पति को गुस्सा आ रहा है तो पत्नी को चुप रहना और बाप को गुस्सा आ रहा है तो बेटे को चुप रहना पड़ेगा। कभी कभी ये अंगार व्यवहार में जो अंगार आते हैं जला के राख कर देते हैं, इस बात का जाने। और राष्ट्रीय हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जो संदेश लेके आता हूँ वो मेरा नहीं होता है। संत महात्मा के जाल से कहीं पढ़ता हूँ और उनको मैं जीवन में उतारता हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी अच्छी बात कही है। ये जिंदगी एक अद्भुत उपहार है परमपिता परमात्मा की, इसकी कदर करो, अपने जीवन की कदर करो और अपने सामने जो व्यक्ति खड़ा उसके भी जीवन की कदर करो। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो मनुष्य अपनी कदर कर सकता है वो दूसरे के जीवन में भी कदर कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें।